I am teaching you the chapter Environment and Sustainable Development. So this chapter is your for your 11th class in economics. So we'll start the chapter by studying the meaning and the definition of the heading, that is the chapter name. So the chapter name is Environment and Sustainable Development. So first of all, we'll break the chapter name into two parts and we'll start by understanding it. ठीक है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो वर्ड्स हैं, तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इन्वायरमेंट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. इन्वायरमेंट का मतलब हम अभी समझेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल स्टडी लेटर व्हेन वी गो फर्दर इन द चैप्टर. सो हम इन्वायरमेंट का मतलब समझते हैं. अब इन्वायरमेंट एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, हम लोग बचपन से इस वर्ड को पढ़ते आए हैं, लेकिन इलेवेंथ में जब आप आ जाते हैं तो इलेवेंथ में आपको इसको एक डिटेल में पढ़ना होता है और एक हाई लेवल पे पढ़ना होता है. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस चैप्टर पे ध्यान दें और इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ने की हम आज कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट बाय स्टडिंग द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट. इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है. सो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, दैट्स इट. इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट वो चीज़ है जिसमें एयर है, वाटर है, लैंड है. अब इसका मतलब तो हम सभी को पता चल गया है कि अब इन्वायरमेंट से मतलब क्या हुआ, कि एयर भी होनी चाहिए, वाटर भी होना चाहिए और लैंड भी होना चाहिए. उसके बाद एयर, वाटर और लैंड, वो एयर, वाटर और लैंड जिस पे पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स लिव, जिस पे लोग रह सके, जानवर रह सके, कीड़े मकोड़े रह सके, पंछी रह सकें और प्लांट्स रह सकें, मतलब प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं, हम जैसे ह्यूमंस भी उसमें सस्टेन कर सकते हैं लाइफ और एनिमल्स भी सस्टेन कर सकते हैं. सो ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन है इन्वायरमेंट की. उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि और अब जब हमें डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम उसमें और क्या लिख सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, आपको डेफिनेशंस को एक पॉइंट्स में दे रहे हैं जिससे याद करने में आपको आसानी हो. ऑन विच पीपल, प्लांट एंड एनिमल्स लिव. अब देखिए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट जो है, इट इज़ अ टोटालिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि ये जो तीन चीज़ें हैं, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में आ जाती हैं, एयर, वाटर और लैंड. ठीक है, तो टोटालिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि इन्वायरमेंट में सारे के सारे रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं. सारे के सारे रिसोर्सेज कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करेंगे. अब हम क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट बाय स्टडिंग बायोटिक रिसोर्सेज एंड देन वील स्टडी अबायोटिक रिसोर्सेज. सो बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, ये अब हम कोशिश करेंगे कि इसको भी आसान बनाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं. सो बायोटिक रिसोर्सेज में क्या आएगा, बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे नॉन लिविंग थिंग्स. सो इसकी एग्जाम्पल देते हैं. प्लांट्स, फिशरीज, एनिमल्स, ह्यूमंस,
प्लांट, फिशरीज, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब चीज़ें जो आएंगी ये आपके बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगी। एंड उसके बाद फॉरेस्ट आ जाएगा, फॉरेस्ट में भी हम इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। देन वी हैव नॉन लिविंग, जिसके अंदर हम रख सकते हैं एयर, लैंड, वाटर, फॉसिल फ्यूल्स, सनलाइट। सो दीज आर द थिंग्स वी कैन कीप इन अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज कंटेन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? एयर, लैंड, वाटर एंड फॉसिल फ्यूल्स एंड सनलाइट। सो हमने क्या किया, हमने रिसोर्सेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, लिविंग एंड नॉन लिविंग जिसको हम बोलते हैं। एंड देन वी हैव लिविंग में प्लांट, फिशरीज, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड नॉन लिविंग में वी हैव एयर, लैंड, वाटर, फॉसिल फ्यूल एंड सनलाइट। सो आप ये देखेंगे कि इन सब चीज़ों को मिलाकर एनवायरनमेंट बनता है। अगर इसमें से एक भी चीज़ एक्सटेंट हो गई, एक भी चीज़ गायब हो गई, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव। अब आप ये समझिए कि अगर ह्यूमंस एक्सटेंट हो गए, तो प्लांट्स, फिशरीज, एनिमल्स, इन सब का कौन यूज़ करेगा? प्लांट्स को यूज़ करने वाला कोई नहीं होगा, टेक्नोलॉजी एनिमल्स के अलावा इन चीज़ों को कोई यूज़ नहीं कर सकता, और इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कोई नहीं रहेगा। अब हम जैसे कि सनलाइट, आपको पता है सनलाइट के बिना वी डोंट हैव एनी लाइफ। सनलाइट के बिना प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, हम ह्यूमंस को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम लोग इन रिसोर्सेज के बिना रह सकें।